टॉपिक नाम है वो है HTML लिस्ट। देख लीजिए पेज नंबर 11 पे या बाकी जिसके पेज हो चेक कर लीजिए। हो गया। चलिए आज हमें पढ़ना है HTML लिस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट ऑलरेडी हैं इसमें, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से क्या होता है HTML लिस्ट। आपने जैसे पढ़ा होगा ना MS वर्ड वगैरह में बुलेट लिस्ट के बारे में, कि अगर हम बहुत सारे स्टेप लिख रहे हैं, जैसे मान लो कह रहा है कि 4 लाइनें लिखिए, किसी चीज के बारे में व्याख्या करिए, तो 4 लाइनें आ रहे हैं तो आप सर्कल बना के या स्टार बना के उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कहा है HTML लिस्ट आर यूज टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो HTML लिस्ट होती है वो किसी स्पेसिफिक लाइन के बारे में जिक्र करती है, जिसका उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। कहा है आर लिस्ट में कंटेन वन और मोर लिस्ट ऑफ एलिमेंट, और सभी जो अभी पढ़ेंगे हम लोग लिस्ट, उनमें एक से ज्यादा भी एलिमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। दे आर द 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट। कितने टाइप के HTML लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे? 3। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 ही, एक UL के बारे में और एक OL के बारे में। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है? मतलब ऐसी लाइनें जिनको ऑर्डर में रखे ना रखे उससे मतलब नहीं है, मतलब कि आदर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मान बताओ मैं 4-5 कलर ऐसे रखा हुआ है, 12 कलर है, मान मैं कह रहा हूँ 12 कलर को लाइन से रख दीजिए, तो लाइन से रखने का मतलब उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसको पहचान पाए, कलर जानते हैं, कलर डिटेक्शन कर पाते हैं, तो कोई कहीं भी रख दीजिए, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वही अगर हम कुछ अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो अल्फाबेट में मैंने ये कह दिया है कि लाइन से रखिएगा। लाइन से मतलब कि उनकी सीरीज में रखिएगा, कि पहले और कोई नहीं आएगा, पहले ए आएगा, पहले और कोई नहीं आएगा, पहले बी आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद कोई और नहीं आएगा, सी ही आएगा। तो यहाँ फिक्स हो गया ना, तो जहाँ फिक्स वाली बात आ रही है उसे ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर लिस्ट। और जहाँ फिक्स वाली बात नहीं है, मतलब कोई भी आ जाए पहले, तो उसको क्या बोलेंगे? तो एक बार बताइए, नॉर्मली समझिएगा। पहले फोल्डर ओपन कर लेते हैं। HTML ना, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो ये 3 चीज हमने बनाया, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। क्या इसमें आप ये डिसाइड कर पाएंगे किसको पहले लाए? डिसाइड कर पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं। इसमें बताइए डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। ये सारी किस कैटेगरी में आएंगे? अनऑर्डर। किसमें आएंगे? अनऑर्डर कैटेगरी। लेकिन अगर वही बात है कुछ लाइनें लिखी हुई, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप डेली एक्टिविटी करते हैं, फर्स्टली अर्ली टू बेड, बेड से उठने के बाद पहला काम आप सो के उठते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट यानी चाय के बाद लंच करते हैं। तो ये क्या अरेंजमेंट? क्या इसमें कर सकते हैं कि पहले फ्रेश हो लेते हैं बाद में उठते हैं? ऐसा कर सकते हैं अरेंजमेंट? नहीं कर सकते, क्योंकि ये अरेंजमेंट ही होगा, यानी इसका ऐसी चीज है ये कि ये अपने ऑर्डर के अनुसार ही होगी। इसे क्या बोलेंगे? OL यानी ऑर्डर लिस्ट। इसको क्या बोलेंगे? UL अनऑर्डर लिस्ट। समझा गया ना? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है UL। UL का मतलब क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। क्या है? दिस विल लिस्ट आइटम यूजिंग द प्लेन बुलेट्स, यानी इसका यूज बुलेट्स के द्वारा। बुलेट्स का मतलब समझ रहे हैं ना? विंडो आर करिए, MS वर्ड ओपन कर लीजिए, यहाँ देख सकते हैं बुलेट्स की बात की गई है MS वर्ड में। ये देखिए सामने, ये तो बुलेट्स है। बुलेट्स के बहुत सारी कैटेगरी हैं, हाँ, ये डॉट है, स्टार है, ए है, बहुत सारे है ना, ठीक है। छोड़िए, तो सबसे पहले तो आज मैं जितना ही कल का काम किए थे, चाहे चार्ट है या जो भी था, सब मैं क्या कर दे रहा हूँ, और बीसी कलर वही रहेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को बदल के आज के टॉपिक का नाम रख देते हैं HTML क्या? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, ये हमारे टाइटल का नाम रहेगा आज। रन कराइए। रन कर गया, नाम हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या कहा, पहले हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे ना। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूएल टैग। कौन सा टैग का यूज करेंगे? अरे यार यू टैग होगा क्या, यूएल टैग इस्तेमाल करेंगे, यूएल टैग। अब यूएल टैग के में बताइए, पेज पलट लीजिएगा आप लोग। कर लिया आप लोग। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, एक हेडिंग दिया हुआ है, लेकिन देखिए हेडिंग कहाँ दिया हुआ है, नॉर्मल दिया कि यूएल के भीतर दिया हुआ है? हो गया ठीक है। देखिए तो यूएल के भीतर दिया कि यूएल से पहले दिया हो, तो यूएल के इस्तेमाल अभी नहीं है। हम क्या करें, कंट्रोल जेड किया, सबसे पहले हमने हेडिंग दे दिया। H1 टैग का इस्तेमाल कर ही लेते हैं आप लोग। H1 टैग में लिखा हुआ है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग। देखिए हेडिंग लग गया हुआ, लग गया, सब सामने देख रही है। अब इसके बाद से एक और हेडिंग दिया गया है, किस नाम से, H2 के नाम से। किस नाम से, H2 के नाम से। और यहाँ H2 में लिखा हुआ है क्या, कोर्स लिस्ट। कोर्स लिस्ट है ना, हाँ, हमारे यहाँ कौन कौन से लिस्ट हैं कोर्स के, ये लिखो। और उसके बाद जितनी भी चीजें हैं LI टैग के भीतर लिखी हुई है, लाइन टैग के भीतर हमने लगाया LI, क्लोज किया, हमने लिख दिया क्या ADCA, ठीक है, इंटर LI के भीतर ही क्या ADFA, ठीक है। इसके बाद क्या LI के भीतर ही DFA, उसके बाद क्या LI के भीतर ही CCC मान लीजिए, हो गया बस, इतना ही हो गया। कंट्रोल एस सेव कर लीजिए, या एक और DC वाला लिख दें। ये मैं नॉर्मली कोई बच्चा पूछा कौन कौन से कोर्सेज में, मैंने रैंडमली ऐसे बोल दिया, ठीक है। यहाँ DC कर, कंट्रोल एस सेव कर लिया। अब आप देख सकते हैं। अच्छा मैंने वो लगाया नहीं है क्या वेब टैग, अच्छा सॉरी सॉरी, ये लगा लीजिए, यूएल टैग के भीतर रहेगा ना। अरे इंटर करिएगा और क्या करिएगा, इसको कट करके कंट्रोल एफ और इसके भीतर क्या कर दिया कंट्रोल बी। अब ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल एफ से सेव किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया, आपको कुछ दिख रहा है? और यहाँ बुलेट लिस्ट लग गया है डॉलर डॉट, हाँ लग गया कि नहीं लगेगा? अच्छा मैं फिर से HTML वाला पेज खोल रहा हूँ, इसको देख के कुछ दिमाग में आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है इसको देख के, कि आज हमने ना BR टैग का, BR मतलब ब्रेक रो का, ना ब्रेक रो का इस्तेमाल किया है, ना ही फ्री टैग का इस्तेमाल किया है, फिर भी ADF ADC अलग अलग लाइन में दिख रहा है। क्यों? इस LI टैग को तो सोचिए, हम तो अभी तक यही पढ़े थे ना कि जैसा हम इनपुट देते हैं वैसा आउटपुट आता है। फ्री टैग में फ्री टैग लगाए यहाँ पे नहीं लगाए, और जब तक नॉर्मली यही देखो, अगर यही मैं कर रहा हूँ, यूएल के नीचे आ गया, यही लिख दिया ADCA ADFA, अरे यार ADCA ADFA DCA CCC अलग अलग लाइन में लिखे हैं, अभी भी BR टैग नहीं लगाया है, फ्री टैग नहीं लगाया है। कंट्रोल एस सेव, देखिए ये एक ही लाइन में आया होगा, लेकिन ये सारे अलग लाइन में, सिर्फ यूएल की वजह से और LI की वजह से। समझ में आ गया क्या करना चाहता है? अगर इसको अलग करना हो तो क्या करेंगे, हो यूएल टैग नहीं क्या लगाएंगे BR। अगर इसको नॉर्मली अलग करना है तो यही नहीं करेंगे BR। देखिए कंट्रोल शेयर किया, ये करिए BR अलग हो गया, अलग हो गया। लेकिन हम जब ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ना BR की जरूरत पड़ेगी, ना ही फ्री टैग का इस्तेमाल। फ्री टैग क्या होता है, कल पूछे थे ना क्या होता है फ्री टैग। फ्री टैग क्या करता है, हमारे पेज के हिसाब से काम करता है, जैसा हम इनपुट करते हैं वैसे हमें आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा ये हो गया। अब अगले पेज पे यहीं पे किया है, इसके टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट के 4 टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं। कितने टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्क्वायर होता है, एक होता है सर्कल, और एक होता है डिस्क। डिस्क मतलब जो पासा नहीं होता लूडो का, लूडो का कुछ वैसा ही, जैसे सर्कल ही बना रहेगा बस कलर रहेगा, कलर रहेगा। ये क्या है, ये डिस्क है, क्या है ये डिस्क है। और केवल सर्कल बना है, ये सर्कल है, स्क्वायर स्क्वायर के रहते हैं। और चौथा होता है नन। नन मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ बना ही नहीं रहेगा, खाली रहेगा। ऐसे लाइन से पॉइंट लिखी रहेगी ADCA ADFA CCC, इसके पहले कुछ नहीं लगेगा। ये चारों क्या है? टाइप ऑफ एट्रीब्यूट है। एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा और सामने इमेज भी बना लीजिएगा। स्क्वायर के सामने स्क्वायर, सर्कल के सामने सर्कल, डिस्क के सामने गोला बना के कलर कर लीजिएगा और नन के सामने कुछ रहेगा ही नहीं। कर लीजिए जल्दी से, पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है, लिखा हुआ ना यहाँ पे यूएल टाइप में स्क्वायर डिस्क, इसके सामने इमेज बना लीजिएगा। हो गया? अब चारों का यूज करेंगे तो एक चीज नोटिस करिए, वैसे अलाइनमेंट में कोई अलाइनमेंट एक बाय डिफॉल्ट होता है कि नहीं होता है लेफ्ट वाला, तो इस टाइम में भी जब ये नहीं कि जो हम बनाए हैं तो चौथे में नहीं, वो चार बताया है ना, उन चारों से एक तो कोई ना कोई आ रहा है ना। कौन सा आ रहा है? डिस्क वाला आ रहा है। कौन सा वाला आ रहा है? तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है? कौन सा ऑर्डर लिस्ट आता है? अनऑर्डर कौन सा? डिस्क वाला। लिख लीजिएगा कि बाय डिफॉल्ट अगर हम अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आएगा? डिस्क वाला आएगा। ऐसा लिख लीजिएगा कि अगर हम अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? डिस्क वाला आएगा। डिस्क का आइकन जरूर बना लीजिएगा, सर्कल बना के गोला। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, तो देखो सामने, देखो आप लोग, इसी का मैं क्या कर रहा हूँ, सामने देखिए ध्यान से। अब इसी को मैं 4 बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। एक बार कॉपी किया, एक बार कॉपी किया और यहाँ लाके क्या कर दिया? पेस्ट। और इसको चेंज कर लिया, यूएल में आके यहाँ लिख दिया, सामने देखिए टाइप इक्वल, अरे टाइप इक्वल टू, यहाँ लिख दिया SQUARE स्क्वायर, कंट्रोल एस सेव कर दिया। देखिए अगला फिर से आया होगा, इसमें स्क्वायर बना होगा, स्क्वायर बना है, हाँ ठीक है। फिर से इसके नीचे आए और क्या कर दिया? फिर पेस्ट कर दिया। और इस बार क्या लिख दिया? टाइप और इक्वल टू क्या कर देंगे? सर्कल, कंट्रोल एस सेव कर दिया। देखिए सर्कल आया, हाँ। और फिर आएंगे और नीचे, फिर यहाँ क्या कर लें, इंटर करके पेस्ट कर लीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए? टाइप, टाइप में क्या लिख देंगे? डिस्क लिख लीजिए, देख लीजिए इक्वल टू ना, टाइप इक्वल टू डिस्क। डिस्क से वही आएगा, ऊपर वाला जो आया अपने आप आएगा, देख लीजिए वही पहले वाला आएगा, अंतर नहीं है। बाय डिफॉल्ट डिस्क आता है, ये डिस्क की जरूरत नहीं है। हम डिस्क की जगह क्या लिख दे रहे हैं? रहने दो, डिस्क रहने दो और इंटर कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिएगा? अब क्या कर ले? नन मतलब टाइप इक्वल, अरे इक्वल टू NONE, कंट्रोल एस से चेक कर लिए। देखिए तो कुछ आया इस बार? तो एक ही पेज पे सारा कर लीजिएगा। कितने पेज पे? एक ही पेज पे सारा कर लीजिएगा। देखो चारों मैंने यूज कर लिए। तो सुन लो, जो अभी पढ़े हैं ये टाइप था, HTML के लिस्ट का टाइप था अनऑर्डर लिस्ट, और ये जो टाइप पढ़ रहा है उसके जो टाइप पढ़ रहा है कि स्क्वायर है, डिस्क है, नन है, ये क्या है? टाइप ऑफ एट्रीब्यूट है। इसको क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ एट्रीब्यूट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ कर लेंगे आप लोग ना, ठीक। और इसको मैंने कंट्रोल से सेव कर लिया। अब अगला हम पढ़ेंगे। देखिए हो गया हमारा, पेज रन कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हमारा, हम एक और बना ले रहे हैं, यहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक करके और बना दे रहे हैं। यू ऑर्डर लिस्ट था ना, अब अनऑर्डर था ना, ये मैंने बना दिया OL मतलब ऑर्डर लिस्ट डॉट HTML फाइल बना ले रहे हैं। इसी फाइल बन गई। डाटा लाने के लिए बाय डिफॉल्ट शिफ्ट के साथ वन और इंटर, याद आ रहा है ना। और डॉक्यूमेंट को मिटा के यहाँ लिख देंगे HTML ऑर्डर लिस्ट, कोई दिक्कत कंट्रोल एस से कर देंगे, शिफ्ट बॉडी के भीतर आ जाएंगे। हेडिंग वही जैसे हेडिंग बना रहे थे आप लोग, क्या H1 में क्या लिख देंगे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई दिक्कत कंट्रोल एस से कर दिया शिफ्ट, और इसको भी पोर्ट करिए, दूसरा पेज बनेगा ना इसका दो लाइन। देखिए यार ये सादा आ रहा है ना, इसको कलर करने के लिए क्या करेंगे, बॉडी के भीतर क्या लिखेंगे बीजी कलर, पिंक कलर ले लीजिए, अलग हो जाएगा कंट्रोल एस कर दिए सेव, देखिए तो कोई दिक्कत। अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब बच्चों ये है कि मान लो कंडीशन आपको ये दे दिया गया है कि जो जितने भी आपने कोर्सेस लिखे हैं उस कोर्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखिए। किस ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल में अगर लिखेंगे तो बताइए ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यानी लाइन से 1 2 3, ऐसा नहीं ना कि पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 2, ऐसा है नहीं। तो उसके लिए ऑर्डर लिस्ट का ये सेम टॉपिक वही S2 उसके भीतर में क्या लिख दिया, अरे आवर कोर्सेज लिख दे रहा हूँ, आवर कोर्सेज, और यह इस पे मैंने बना दिया क्या, टैग ओपन किया और क्या लिख दिया OL ऑर्डर लिस्ट बंद कर दिया। अब इसके भीतर LI लगाते जाइए, LI टैग बंद करिए और इसमें लिखिए। पहले बताइए कौन सा आएगा, और जितने कोर्सेज आपने वहाँ उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ADCA क्या आएगा, ADCA आएगा ना, उससे पहले कोई आया नहीं, क्या करेंगे ADCA, उसके बाद से क्या आएगा ADFA आएगा, क्या आएगा ADFA, उसके बाद क्या आएगा, हाँ नहीं BG, क्या आएगा BG, उसके बाद क्या आएगा BG के बाद क्या आएगा CCC आएगा, क्या आएगा CCC आएगा, के बाद क्या आएगा, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज कर रहे हैं तो LI, CCC के बाद क्या आएगा DC आएगा, DCA, उसके बाद क्या आएगा DFA, उसके बाद क्या आएगा लास्ट में LI OM ऑफिस मैनेजमेंट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है ना, और यहाँ पे भी LI और यहाँ लिख दिया लास्ट टैली, बस हो गया। और कंट्रोल एस से क्या कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया, देखिए ऑर्डर में आया होगा, और बाय डिफॉल्ट किसमें आएगा 1 2 3 में, देखिए क्योंकि इसकी भी जैसे उसके 4 होते हैं, इसके 5 होते हैं, इसके कितने होते हैं 5, कौन कौन से, एक तो 1 2 3 एक हो गया, एक ABCD कैपिटल में, एक स्मॉल में, एक रोमन में 1 और एक नॉर्मल में 1, समझ रहे हो ना, कितने हो गए 5 हो गए। ये क्या है, ये क्या है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है, क्या है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है। चलिए तो बाय डिफॉल्ट इसमें से एक तो आ ही गया, लिख सकते हैं इसका कि इसका बाय डिफॉल्ट जो आता है लिस्ट, जो ऑर्डर लिस्ट का जो बाय डिफॉल्ट आता है वो क्या आता है 1 2 3 आता है, क्या आता है 1 2 3, और इसको चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं। ये लास्ट है हम लोग। अब चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम, अब जैसे सामने देखिए इसका चारों यूज कर लेते हैं, पांचों यूज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहे थे, हम क्या तरीका बताए थे, कॉपी पेस्ट ज्यादा बेहतर है, या हाथ लिखिए टाइम है आपके पास। मैं क्या किया इस OL से कॉपी कर लिया और इंटर करके क्या कर दिया पेस्ट कर दिया, बस OL में गया और यहाँ क्या लिख दिया स्पेस दे गया, टाइप इक्वल टू हाँ जी नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा, नहीं OL का मतलब ये है कि आपको जरूरत कैसी है, आपकी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। वो तो मैंने जान के दिखाया हूँ कि मैंने डाटा अपने पास रखा है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब हमको काम कैसे करना है डाटा के मुताबिक। मान लो अभी कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं नॉर्मल वर्ड्स वाली बात होती है जिसमें मैनेजमेंट वाली बात नहीं आती, समझ रहे ना, जैसे मैं बोला हूँ 4 बच्चे आ जाइए, तो 4 बच्चे कैसे भी क्रम में खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं कंडीशन दे दे रहा हूँ कि हाइट रिगार्डिंग खड़े रहिए, तब तो ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी ना। आप वैसे खड़े थे तो क्या थे, अनऑर्डर थे, कोई भी पहले आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, ओएल के भीतर में लिखा टाइप इक्वल टू किया, टाइप में मैंने ले लिया 1 2 3 तो ऑलरेडी है, ये है क्या ले लेना है कैपिटल ए और कंट्रोल एस से सेव, देखिए तो एबीसीडी आ गया। हाँ ठीक है, फिर मैंने पेस्ट कर दिया और ओएल में क्या ले लिया टाइप इक्वल टू, सॉरी टाइप इक्वल टू स्मॉल में कंट्रोल एस से सेव कर लिया, देखिए तो स्मॉल में एबीसीडी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से थोड़ा नीचे आए, फिर पेस्ट किया और यहाँ क्या लिख दिया इक्वल टू टाइप इक्वल टू रोमन में, रोमन में आई मतलब दबा देंगे तो वही रोमन हो जाएगा, स्मॉल में आई, कैपिटल में पहले आई कर देना तो रोमन में आ रहा है, ये भी रोमन में ही आएगा, कैपिटल में और रोमन आ रहा है, देखो यहाँ कैपिटल रोमन बोलते हैं, है ना, और स्मॉल में दबा देंगे तो स्मॉल में रोमन हो जाएगा, देखिएगा एंटर भी, और यहाँ टाइप इक्वल टू स्मॉल में, स्मॉल आई दबा देंगे तो स्मॉल में रोमन हो गया, देखिएगा रोमन ही है लेकिन स्मॉल में, देखिए देखिए समझ रहे ना, देखो सेम है। चलो उसके बाद क्या लगा लिया जाए, कितने हो गए काउंट करिए तो 1 2 3 4 और लास्ट क्या होगा 1 2 3, 1 2 3 ऊपर है, ये दिखाना पड़ेगा समझ जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, लेकिन इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें 2 ही चीज मिले हैं ना, एक पड़े हैं अनऑर्डर लिस्ट और उसका टाइप 4 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, इसमें भी कितनी चीज पड़ चुके, 2 चीजें, एक ऑर्डर लिस्ट और एक टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, इसमें और भी चीज है, पूछिए क्या, एक कंडीशन मान लो अगर कोई दे रहा है कि नंबरिंग 4वां से स्टार्ट करिए, 5वें से स्टार्ट करिए, 6ठे नंबर से स्टार्ट करिए, तो वो भी ऑप्शन है, इसको बोलते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट, क्या बोला जाता है इसको, स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या बोला जाता है, मतलब मुझे स्टार्टिंग यहाँ से करनी है ऐसा कोई कह कंडीशन, सामने देखिए सामने देखिए सामने देखिए कंट्रोल वी, हमने यहाँ पे लिख दिया टाइप इक्वल टू मैंने 1 दे दिया 1, तो देखिए इसकी काउंटिंग कहाँ से चल रही है, 1 से चल रही है, हाँ 1 2 3 4, लेकिन मैंने इसी में लिख दिया थोड़ा सा स्पेस देके, यहाँ पे क्या हमने लिख दिया यहाँ पे कि स्टार्ट कहाँ से हो, तो मैंने क्या दिया स्टार्ट हो जाए 6 नंबर से, कहाँ से, तो अब देखिएगा एडीसी को काउंट तो करेगा, अरे स्पेलिंग भी गलत लिख दिया है क्या, एडीसी का गलत लिखे हुए ना, चलो ठीक है, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा है ना कि बलवंत सिंह का है, ठीक है कंट्रोल ए से सेव किया, अभी मैंने लिख दिया क्या स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 6 से, देख सकते हैं आप इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, ये ऑप्शन उसमें नहीं था क्योंकि वो तो अनऑर्डर था ना, अव्यवस्थित था, उसमें क्या कर सकते, लेकिन इसमें 3 चीजें पढ़ ली, क्या ऑर्डर लिस्ट, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट और स्टार्ट लिस्ट, स्टार्ट एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये 3 चीजें, कोई दिक्कत। अब मान लो एबीसीडी को स्टार्ट करना हो तो अब देखिए मान लो, हाँ चलिए बताइए आप ही लोग बताइए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, बताइए यहाँ पे क्या लिख दिए टाइप इक्वल टू ई, हाँ ए लिख दिया, हाँ कैपिटल ए, हाँ ठीक, हाँ स्टार्ट एक मिनट स्टार्ट इक्वल टू एफ नहीं होगा, फिर नहीं होगा, कारण क्या है यहाँ प्लेस वैल्यू मैटर करेगी, नाम नहीं, देखिए फिर से एबीसीडी ये आ गया ना, तो यहाँ पे यफ ना लिखिए, यफ की प्लेस वैल्यू लिखिए, यफ किस नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है, किस नंबर पे आता है 6, यानी प्लेस वैल्यू यहाँ मैटर करेगी, देखिए यफ ठीक है, यानी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू मैटर करेगा, तो लिखिए बात देखिएगा कि अल्फाबेट नंबर में तो आप लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन जब अल्फाबेट का या रोमन की बात आएगी तो क्या करेंगे, सुनो रोमन की बात आएगी तो क्या करेंगे, वो भी यही काम करेंगे, प्लेस वैल्यू ही, जैसे ठीक से स्टार्ट करना चाहिए, लिख दे वी आई नहीं लिखना है, 6 ही लिखना है, जैसे हम जो यहाँ देखो सामने, अगर मान लो रोमन वाला लाना है यहाँ पे, तो यहाँ तो मैंने कॉपी यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट किया और देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ लिख देंगे क्या टाइप इक्वल टू रोमन में लिख दिया है, रोमन में देखिए ये लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में क्या डालेंगे, मान लो स्टार्ट में क्या डालेंगे 6 डालेंगे, तभी वी आई से काउंट करेगा, ये नहीं कि वी आई डाल दी, कंट्रोल से सेव देखिए 6 से काउंट किया होगा, अगला 6 7 8 समझा है ना, यानी प्लेस वैल्यू मैटर करती है। तो आपको ये दो ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करने हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट में क्या करनी पड़े हैं, तीन चीजें, एक ऑर्डर लिस्ट, एक टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, ये टाइप के एट्रीब्यूट थे इसमें पांच, दो रोमन नंबर वाला, दो अल्फाबेट्स वाले और एक नंबर वाले। और क्या पढ़े, स्टार्ट लिस्ट। क्या स्टार्ट लिस्ट ऑर्डर में भी था? नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां कुछ व्यवस्थित अरेंजमेंट वाली बात थी ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा कि कैरेक्टर लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक लिखिए किसका, नॉन लिविंग थिंग्स का। तो हमने लिखा पहला पॉइंट, इट कैन चेंज द पोजीशन, और ये क्या कर सकते हैं, इट टेक अ फूड। जरूरी है कि कहा गया कि टेक फूड सेकंड नंबर लिखिएगा, पहले भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही मैंने बोला कि जो दैनिक आप काम करते हैं सुबह उठने के बाद, उसको कहा जाए तो वहाँ ऑर्डर है, अरेंजमेंट। पहला काम अर्ली टू बेड, जल्दी उठना, फिर फ्रेश होना, टॉयलेट वगैरह, फिर ब्रश वगैरह, स्नान दान, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट। तो समझ रहे ना, इसमें नहीं है कि उठते ब्रेकफास्ट के लिए फिर उसके बाद तो पैटर्न चेंज हो, समझ रहे ना। तो ये दो चीज आपको करना है, एक आपको यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट टैग ओपन करके, और दूसरा क्या है ओएल का मतलब एलआई क्या कर रहा है, अरेंजमेंट कर रहा है ताकि लाइन दिखे। मतलब ना बीआर टैग की जरूरत पड़ रही है, ना ही प्री टैग की, है ना। ठीक है, थैंक यू। और एक इंफॉर्मेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं, थैंक यू क्लास।